देखिए प्रधानमंत्री भारत के अगले राहुल गांधी जी बनने जा रहे हैं। 10 साल हम लोगों ने देखा सरकार जो मोदी सरकार थी, 10 सालों में उन्होंने महंगाई आसमान छू दी। उनका जो विजन है युवाओं के लिए है और युवा ही भारत के प्रधानमंत्री बनेंगे। ये तो ऊंट के मुंह में जीरा हो गया, 56 से सीट आई है। सबसे सुंदर मोदी जी, मोदी से सुंदर कोई नहीं। राहुल गांधी न मेरे संस्कार से मतलब है न मेरे सभ्यता से। मोदी जी भारत के मंदिर बना रहे हैं और भारत जोरों जत्ता पर है। मोदी जी कौन तोड़ने वाला काम किए हैं बताइए। मतलब राहुल गांधी जी पे भरोसा नहीं है? एकदम भरोसा नहीं। बाप के बाद जो भरोसा करेंगे वो बाबर का औलाद हो जाएंगे। जो व्यक्ति उस समय अय्याशी कर सकता था भारत के लिए जेल गया है वो साधारण घर के राहुल गांधी नहीं है। राहुल गांधी जवाहरलाल नेहरू के पोते हैं, इंदिरा गांधी के पोते हैं। वो राजीव गांधी जी का खून इस मिट्टी में सना हुआ है। उनके हम कह रहे हैं कि वो व्यक्ति सार्थक नहीं है भारत के लिए। मैं तो चाहता हूँ कि राहुल गांधी आवे। जी नमस्कार, आप देख रहे हैं एक न्यूज़ 24। मैं वेद सिंह, अभी मौजूद हूँ पटना के कारगिल चौक के पास। जैसा कि आप सभी को पता है कि 2024 आ चुका है। जी हाँ, 2024 आ चुका है। 2024 में होने जा रहा है लोकसभा चुनाव। तो आज मैं यहाँ आया हूँ और लोगों से मैं पूछूंगा कि 2024 में जो लोकसभा चुनाव होगा तो प्रधानमंत्री के रूप में वो किसे देखना पसंद करेंगे। जी आपके हिसाब से आप प्रधानमंत्री किसे देखना पसंद करेंगे? देखिए प्रधानमंत्री भारत के अगले राहुल गांधी जी बनने जा रहे हैं। क्यों? 10 साल हम लोगों ने देखा सरकार जो मोदी सरकार थी, 10 सालों में उन्होंने महंगाई आसमान छू दी। बेरोजगारी इस कदर बिहार नहीं पूरे भारत में इस कदर बेरोजगारी छा गया है कि युवा आजकल मारे मारे फिर रहे हैं। और राहुल गांधी जो जन नेता है हमारे, उन्होंने युवाओं के लिए बात किया है, युवाओं के रोजगार के लिए बात किया है, न कि नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं। उनका जो विजन है युवाओं के लिए है और युवा ही भारत के प्रधानमंत्री बनेंगे। अच्छा, एक आपसे एक क्वेश्चन रहेगा, नरेंद्र मोदी जी क्यों नहीं? देखिए नरेंद्र मोदी जी की जो सरकार थी, 10 साल हम लोगों ने देखा, पूरा होने वाला है उनका। नरेंद्र मोदी जो भी वैकेंसी जाती थी, आप यूपीएससी लेवल से अगर देखें, यूपीएससी की वैकेंसी कम कर दी। अभी रेलवे की जो वैकेंसी है, रेलवे बहुत मैंने इम्प्लॉयमेंट का, रोजगार देने का सबसे बड़ा जो था रेलवे था, उन्होंने रेलवे को बेच दिया। अभी फिलहाल जो वैकेंसी रेलवे में ALP की आई हुई है, पूरे भारत में 2200 सीट आई हुई है। ये तो ऊँट के मुँह में जीरा हो गया, 56 सीट आई है, ये ऊँट के मुँह में जीरे के समान है। पूरे भारत में इतने बेरोजगार हैं, 2 करोड़ अप्रोक्स बेरोजगारी है। उन लोग बोला था कि हम हर साल 2 करोड़ रोजगार देंगे और वो 56,000 अपने 10 साल के करियर में रेलवे में 56,000 वैकेंसी निकाल रहे हैं। ये कहाँ तक सार्थक है युवाओं के लिए, ये आप खुद देख सकते हैं। जी ये तो हो गई युवा से बातें हैं यहाँ पे। और भी चचा जी, आप किसे प्रधानमंत्री के तौर पर देखना पसंद करेंगे? किनको प्रधानमंत्री भारत के आप किनको देखना पसंद करेंगे? प्रधानमंत्री भारत मोदी जी के सिवा संसार में कोई भारत पहले ले लिया है? क्यों मोदी जी? बाप सर्वोपरि है, सबसे सुंदर मोदी जी, मोदी से सुंदर कोई नहीं। लेकिन यहाँ पे जो युवा मौजूद है वो तो कह रहे हैं कि राहुल गांधी जी, मोदी जी कुछ काम नहीं किए, बेरोजगारी उनके समय में बढ़ी। अरे संस्कार से मतलब है न हमारे सभ्यता को देख। राहुल गांधी न मेरे संस्कार से मतलब है न मेरे सभ्यता से। मोदी जी भारत के मंदिर बना रहे हैं और भारत जोरों जत्ता पर है। मोदी जी कौन तोड़ने वाला काम किए हैं बताइए। क्या बोल रहे हैं? युवा के साथ ही मोदी है, युवा जी के साथ भी मोदी है, सब जगह हर हर मोदी, घर घर। अच्छा अच्छा, राहुल गांधी जी क्यों नहीं? उनकी कोई सभ्यता नहीं, अंदर में कोई दिल नहीं भारत के लिए, तो कैसे कहूँ राहुल गांधी? इधर राम मंदिर का निर्माण हो रही है, उधर पद यात्रा में निकले में लाजू तक आ रहे हैं, तो उनकी क्या भरोसा करें हम? मतलब राहुल गांधी जी पे भरोसा नहीं है? एकदम भरोसा नहीं। बाप के बाद जो भरोसा करेंगे वो बाबर का औलाद हो जाएंगे। बाकी आप जानो। देखिए क्या बोल रहे हैं चचा, अभी हमको लग रहा है कि इनको इतिहास का जानकारी नहीं है चचा को, जिसके पुरखों ने इस भारत के लिए अपने खून दिए। इंदिरा नहीं, इंदिरा गांधी का खून इस भारत के मिट्टी में मिला हुआ है, राजीव गांधी का खून मिला है। सुनिए चचा, जो व्यक्ति उस समय अय्याशी कर सकता था भारत के लिए जेल गया है वो साधारण घर के राहुल गांधी नहीं है। राहुल गांधी जवाहरलाल नेहरू के पोते हैं, इंदिरा गांधी के पोते हैं। वो उस समय जो व्यक्ति दीवान हुआ करते थे, बड़े राजघराने से आने वाले व्यक्ति जेल जा रहे हैं। जो राजीव नेहरू जी जेल गए, उनके मोतीलाल नेहरू जी जेल गए, इंदिरा गांधी का इस भारत के मिट्टी में खून सना हुआ है, राजीव गांधी जी का खून इस मिट्टी में सना हुआ है। उनके हम कह रहे हैं कि वो व्यक्ति सार्थक नहीं है भारत के लिए। जी यहाँ पे कुछ और भी लोग मौजूद हैं, मैं इनसे बातें करूंगा। जी आपके हिसाब से आप किसे प्रधानमंत्री के तौर पर देखना पसंद करेंगे? मैं यहाँ का नागरिक हूँ और रह गया हूँ बचपने से,
यहाँ पला बड़ा हूँ, बिहार का रहने वाला मैं मोहम्मद आलमगीर। मैं तो चाहता हूँ कि राहुल गांधी आवे, सबसे बेस्ट रहेगा, क्योंकि उनके 10 साल पहले प्रशासन जो थे बहुत अच्छा काम किए थे ड्राइवर भाइयों के लिए। अभी जो हमारे सरकार नया नया आए हैं, इस तरीके से काला कानून लागू किए हैं, ये नहीं होना चाहिए। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई अंसारी जो भी धोला, हर कौम के लिए ड्राइविंग, एक दो चक्का हो या चार चक्का हो, ड्राइवर भाइयों के लिए राहुल गांधी ही सही है। मतलब आपके हिसाब से राहुल गांधी जी को आप मौका देने चाहिए। 100% राहुल गांधी को आना चाहिए। और क्योंकि एक राहुल गांधी के वीडियो में देखा हूँ, बड़े गाड़ी में बैठ के ड्राइवर साहब से पूछे कि आपका सैलरी तनख्वाह कितना है, तो 4,000 से 6,000 है, 24 घंटा जागने पड़ता है, रगिया जंगल झाड़ में जाने पड़ता है, बिना खलासी का भी चलता हूँ, मान लिया कि ओरिजिनल लाइसेंस है। लेकिन सरकार ड्राइवरों के हक में कुछ बोलना चाहिए कि नहीं, ड्राइवर को एक्सीडेंट हो जाए तो मान लिया जगह पे हम उसको हॉस्पिटल या कहीं पुलिस थाना ले जाएं। जी 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 जी, मैं समझ गया आप क्या कहना चाह रहे हैं। तो जैसे कि आपने सुना, यहाँ के लोगों ने कहा कि कहीं ना कहीं अभी भी 2024 के लोकसभा चुनाव के लेके कंफ्यूजन बनी हुई है कि वो किसे प्रधानमंत्री के तौर पर देखना पसंद करेंगे। कोई कह रहे हैं कि नहीं, नरेंद्र मोदी जी ने जो राम मंदिर बनाया तो हिंदुत्व को बढ़ावा दिया, और कहीं दूसरे तरफ कह रहे हैं कि नहीं, इस बार राहुल गांधी जी को मौका देना चाहिए कि वो शायद अच्छा काम कर सके। तो और भी ऐसे खबरें देखते रहने के लिए आप देखते रहे एक न्यूज़ 24। मैं वे सिंह सहयोगी नंदन के साथ पटना।